बैक टू ग्रेविटी सर्कल हरिओ सांबा सरकार कितना इनाम रखे है इस पर सरदार पूरे चार मार्क्स पूरे चार मार्क्स और पढ़ा नहीं बहुत ना इंसाफी है होली कब है कब है होली कब पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को आज तो गाइस ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स हो जेई हो नीट हो यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आ सकता है जेई और नीट में भी न्यूमेरिकल आ सकता है और ग्राफ भी आ सकता है तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल इसको शांति से मन लगा के पढ़ेंगे मैं अभी एक दो दिन इसका वीडियो इसलिए नहीं बनाया जरा रिसर्च कर रहा था जीरो ऑर्डर पढ़ा दिया जीरो ऑर्डर में भी आप देखो अपना लेक्चर बड़ा हो गया इसका लेक्चर भी बड़ा होने वाला है नो no डाउट इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी इक्वेश बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे हाफ लाइफ देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो नो डाउट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बड़ा वीडियो तो ध्यान से इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नाउ वॉट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है इसको सिंपली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट रेट ऑफ अ रिएक्शन इट सिंपली मींस दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल डिपेंड ऑन विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ इट्स रिएक्टेंट ऑफ वन ऑफ इट्स रिएक्टेंट अब देखो यहां पर ये यह का मतलब ये हो गया बात को समझिए आपको यहां पर आपकी किसी भी एग्जाम में भले ही आपका जेई हो आपका नीट हो आपका बोर्ड हो आपको रिएक्शन यही आएगी कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन चल रही हो ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है अब आप बोलोगे सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो सकती है आपने तो इसमें रिएक्टेंट यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसी एक ही किसी एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करी तो ऐसा नहीं प्यारे बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका एक्सपोनेंट हाफ हो और इसका एक्सपोनेंट भी हाफ हो तो जब अपन इसका रेट इक्वेशन लिखे तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर हाफ तो इसका एक्स प्लस वाई जब आप इसके एक्सपोनेंट का सम करेंगे हाफ प्लस हाफ वन हो जाएगा तो ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है ऐसा भी हो सकता है कि इसका पावर जीरो हो इसकी पावर वन हो मतलब यहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सिर्फ ए के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो बी के इंडिपेंडेंट हो बी बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इससे हमें फर्क पड़ रहा है बात समझ में आ रही है तो यहां पर आप तो बहुत सारे टाइप की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिल सकती है लेकिन अभी हमारे काम की सिर्फ कौन सी है ए से बन रहा है प्रोडक्ट बोलो हाँ। समझ में आ रही है बात कोई दिक्कत कोई परेशानी है ठीक है गब्बर खुश हुआ <laughs> देगा तो आप इसका रेट कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों तो रेट कैन बी रिटर्न माइनस dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन भाई हम लोगों ने क्या करा एक तो रेट आप ऐसे लिख सकते हो माइनस डीएक्स अपॉन डी टी माइनस का साइन इसे लगा क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है ये हम लोगों ने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में देखा था और रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन ये रेट लॉस से आया तो ये भी रेट है और ये भी रेट है तो इन दोनों को मैंने बराबर करके लिख दिया सो so फाइनली आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं दैट माइनस क्या यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई कोई दिक्कत प्यारे बच्चों इसके अंदर चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स इंटीग्रेट दिस इक्वेशन आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दो लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार अपन इसको रीअरेंज कर लेते हैं एक काम करते देखो dx इस कंसेंट्रेशन टर्म भाई ये कंसेंट्रेशन चेंज की वजह से आ रहा है ना और ये भी कंसेंट्रेशन है तो इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो अब यह में दिखने लगेगा dx अपॉन a इज इक्वल टू माइनस के डी टी मतलब मैंने क्या करा माइनस साइन उधर का इधर ले आया ठीक है ना माइनस के डी टी चलिए इंटीग्रेट मारो इसको इसका इंटीग्रेशन करा इसका इंटीग्रेशन करा तो देखो बेटा जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आपको मिलेगा Ln A इसके इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का जब आप इसका करोगे तो भैया तो तो एक इंटीग्रेटिंग नंबर वन कोई डाउट्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना अगर मैं ये मानूं कि जब केमिकल रिएक्शन शुरू हुई होगी इनिशियली जब टाइम शुरुआत का रहा होगा तो बच्चों टाइम जीरो रहा होगा इस वाली कंडीशन में टाइम जीरो रहा होगा तो मैं यह मान लेता हूं कि हमारा जो ए है हमारा जो ए है वो ए नॉट रहा होगा मतलब यहां पर आप इसको मान सकते हो कि जब टाइम जीरो रहा होगा तो ए का कॉन्सनट्रेशन ए नॉट रहा होगा और जब टाइम टी बीत गया होगा तो इसका कंसंट्रेशन ए बन गया होगा तो ए नॉट इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट कैसा कॉन्सेंट्रेशन है प्यारे बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एन ए नॉट क्या ए क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी यानी टाइम टी के बीत जाने के बाद कितनी मात्रा बची वो ए और ए नॉट यानी जब रिएक्शन शुरू हुई तब उसका कंपाउंड का कंसंट्रेशन कितना था तो अपन ने ये माना ना पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन तो जब टी जीरो हो जाएगा तो माइनस बिल्कुल खत्म और यहां पर सिर्फ बचेगा आई ये इक्वेशन नंबर टू लिख देते हैं और ए की जगह ए नॉट डाल दो तो यहां मिल जाएगा एल एन यानी नेचुरल लॉग ए नॉट पुट द वैल्यू ऑफ टू इन वन टू को वन में रख के देखो टू को वन में रखो तो आई की जगह मैं आई की जगह एल एन ए नॉट लिख देता हूं तो फाइनल इक्वेशन बन रही है एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट इज दैट क्लियर टू यू गाइस बताइए इस इक्वेशन को जैसे ही मैंने डब्बा बनाया इस इक्वेशन को स्टार बनाकर आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं एल को कुछ कुछ किताबों में कुछ कुछ लोग लॉग ई भी लिखते हैं तो नेशनल लॉग कैन ऑल्सो भी रिटर्न लॉग ई तो यहां पर कोई घबराने वाली बात नहीं है हो सकता है कुछ कुछ बुक्स जो आप पढ़ रहे हो या रेफर कर रहे हो उसमें लॉग ई ए, ए वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ई ए ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोनों इक्वेशंस सही है दोनों इक्वेशंस सेम है प्लीज इतना नोट करें ताकि अपने को बोर्ड पे से रब करने के लिए रब करने के लिए जगह मिल जाए फटाफट नोट करेंगे फटाफट नोट करेंगे फटाफट जल्दी लिखो रब करे बढ़िया गब्बर खुश हुआ ही 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 ही। देगा। आगे बढ़े गाइस आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक ग्राफ निपटा लिया जाए भाई ग्राफ बड़ा परेशान करता है ग्राफ हुआ हमें बड़ा परेशान करता है बे देखें इसको कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन को मैं काम करता हूं यहां वापस लिख लेता हूं नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट ठीक अगर मैं इसको अपनी ग्राफ इक्वेशन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो क्या ये कंपेयर हो रहा है हाँ रे तो हो रहा है तो क्यों ना ग्राफ बनाया जाए क्यों ना एक ग्राफ प्लॉट किया जाए इस तरीके से यहां बनाया जाए y एक्सिस यहां बनाया जाए x एक्सिस y एक्सिस पर अपन रखते हैं नेचुरल लॉग a यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक कर्व बनाया जा सकता है तो आप देखें x एक्सिस पर टाइम आ गया m आपका स्लोप हो जाएगा y एक्सिस पर यह आ जाएगा एंड c आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो आप यहां पर देखें कि जब टाइम यहां पर देखो मैंने यहां पर सिखाया भी है जब टाइम 0 होता है जब टाइम जीरो होता है तो ए कितना होता है ए नॉट अब यहां पर देखिए कि ये वाले पॉइंट पर पर टाइम है तो यहां पर कहीं पर आपका ए नॉट होना चाहिए तो ये रहा आपका A0, X पर आ गया, बस बचा स्लोप स्लोप की वैल्यू कैसी आ रही बच्चों नेगेटिव मतलब स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है डिक्रीज हो रहा है तो ये जा रहा है आपका स्लोप इस तरीके से तो ये हो गया आपका स्लोप एंड स्लोप की वैल्यू कैसे लिखेंगे माइनस के से तो दिस इज़ योर स्लोप और ये बन गया इसका कर्व ये हो गया आपका पहला ग्राफ तो अगर आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व लेना है तो आप इस इस इक्वेशन से ले सकते हैं इस इक्वेशन को आप लोग स्टार बना के लिखी चुके हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फटाफट नोट करें इसको ठीक है हो गया मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारे बच्चों मेरे गुल्लू मुलू बेटो हो गया एंड बेटी <laughs> अजीब लगता है मेरे मुंह से के बेटा बेटी चलो रब करें इसको सावास। देगा चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं तो बेटा ग्राफ नंबर वन क्लियर है दिस ग्राफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम अच्छा इस ग्राफ का मतलब क्या होगा जब टाइम जीरो रहेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा एज टाइम पासेस जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता जाएगा आई मीन डिक्रीज होता जाएगा दिस ग्राफ इज वेरी इजी दिस ग्राफ इज वेरी इजी ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते लेट्स मूव फॉरवर्ड और इस इक्वेशन को रीअरेंज <coughs> uh, करके लिखते हैं नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन के टी को उधर ले जाता हूं ताकि पॉजिटिव हो जाए एल एन ए नॉट तो अपनी जगह पर ही है उधर का एलेन ए जब इधर आएगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा क्या यह बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है ठीक है सो नाउ के टी इज इक्वल टू अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात यहां पर लिख देता हूं कि एल एन को आप लोग लॉग e ई बोलते हो और अगर आप इसको लॉग ई e को अगर आप लॉग बेस टेन में कन्वर्ट करना चाहते जा, हो तो आपको कुछ नहीं करना है उसको टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये लॉग टेन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ये थोड़ा हवा में जा रहा है ऐसा हो गया ये मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ वरना बच्चे बोलेंगे क्या कर रहे हो तो ए लेन इज इक्वल टू लॉग ई और अगर आपको लॉग ई e को कन्वर्ट करना है लॉग बेस टेन में तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा अगर आपको देखना हो तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने नई वाली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सेशन 2020 2021 उसके अंदर मैंने एक वीडियो नंबर आई थिंक नाइन्थ या टेंथ पर लॉग एंटी लॉग सिखाया है वहां पर मैंने ये चीज सिखा रखी है एक बार और बता दी अच्छा यहां तक की बात समझ में आ गई अच्छा एक एक और यहां पर फंक्शन लगता है कि एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए अगर माइनस साइन हो तो ये डिवीजन में चला जाता है तो अब ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा एल एन ए नॉट अपॉन ए आई बात समझ में ये हो जाएगा अब जैसे ही मैं इस नेचुरल लॉग को बेस टेन में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा के टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस टेन ए नॉट अप ऑन ए क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को जब आप टाइम को इधर ले आएंगे तो मैं एक काम करता तो टाइम को इधर ले ही आता हूं तो टाइम इसके डिवीजन में चला जाएगा यह देखो और यह बन गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नोट करो इसको छापो यही आपकी किताबों में भी दे रखी है और बेटा वेट वॉट इज ए नॉट व्हाट इज ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वट इज ए कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी यानी जब टाइम टी बीत जाएगा तो कितना रिएक्शन आई मीन कितना कॉन्सेंट्रेशन uh, ए का बचा हुआ है देखो कितना इजी कितना मजा आया कितना इजी था देखो अच्छा था फटाफट से इसकी छपाई करेंगे दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन पहली ये थी अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी आपने इससे स्लोप बनाया आपने इससे कर्व बनाया तो ये एक जरूरी था दूसरा आपने इससे इंटीग्रेटेड रेड इक्वेशन निकाल ली के वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो मतलब अगर आपको समय दे दिया जाए कि एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इतने समय तक चली यानी जीरो मिनट से ट्वेंटी मिनट तक चली तो बीस मिनट चली बीस मिनट से चालीस मिनट चली तो बीस से चालीस 20 मिनट चली तो टाइम आपके पास में है आपके पास में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होगी आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है टाइम टी की वैल्यू होगी तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हो अच्छा लॉग बेस टेन की वैल्यू निकालना बहुत आसान है आपको मैंने सिखा रखा लॉग बेस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने सारे लॉग जीरो लॉग जीरो की वैल्यू से लेकर लॉग बेस टेन तक की वैल्यू मैंने अपने उस वीडियो के अंदर समझाई है तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको लॉग में कभी कोई परेशानी नहीं आए ठीक है ना इसका अगर मैं स्लोप बनाऊ अगर मैं इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से स्लोप बनाने की कोशिश करूं इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से अगर मैं स्लोप बनाने की कोशिश करूं तो एक बार मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखना चाहूंगा लॉग बेस टेन ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू टी अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री क्या ये इक्वेशन में ऐसी रीअरेंज करके नहीं लिख सकता क्या मैं इक्वेशन ऐसी रीअरेंज करके नहीं लिख सकता अब एक बात समझो अगर टाइम जीरो होगा तो ये पूरा जीरो, जीरो, तो जीरो तो पर सी कॉन्स्टेंट कुछ नहीं होगा तो जब आप इसके लिए स्लोप बनाएंगे तो आप देखिए मैं y एक्सिस पर इसको रख रहा हूं तो जैसे इसको मैंने y एक्सिस पर रखा तो आपको यहां पे दिखेगा log बेस टेन a नॉट अपॉन a

ये x यहां पर c तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पर ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है टाइम जीरो कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो ये जीरो रहेगा स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी k डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थी। तो अगर आपको यहां से स्लोप की वैल्यू चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ठीक है थीके? प्यारे बच्चों तो ये दूसरा कर्व बन गया हलुआ था हलुआ गाजर का ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत शानदार चल रहे हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दूसरी इक्वेशन दूसरा ग्राफ भी सीख लिया फाड़ फूड के फेंक दिया इसको हमने चिथड़े कर दिए इसके अभी इसके क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन ग्राफ समझ में आया पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं ये दोनों ग्राफ आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे टू ग्राफ्स आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी आल्सो तो एनसीईआरटी लेवल का तो अपन ने काम कर लिया कोई दिक्कत नहीं रही फटाफट से इसको नोट करें हो गया मेरे प्यारे बच्चों रब करें आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के हा 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 क्या सोचा था क्या सोचा था क्या सोचा था आगे बढ़ते हैं चलो अब एक काम करते हैं इसी इक्वेशन को फिर रीअरेंज करते हैं लेकिन अब रीअरेंज करने का तरीका क्या होगा मैं ए नॉट को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस कट्टी मैं आपसे कट्टी हूं क्या बात समझ में आ रही है क्या मैं यहां पर इस चीज को रीअरेंज करके ऐसा नहीं लिख सकता अपनी फॉर्मूला लगाकर लॉग वाला ए अपॉन ए नॉट भाई जब दोनों माइनस मतलब डिवीजन में चले तो माइनस कट्टी ठीक है अच्छा एक काम करो एक काम करो एल एन को ऐसा लिखो एल एन को ऐसा लिखना स्टार्ट करो लॉग ही लॉग ही ए अपॉन ए नॉट इजिकल टू माइनस कट्टी लेकिन क्या होता है मेरे लाडले प्यारे बच्चों छुटको मुटको बच्चों ये देखा गया है कि लॉग बेस ई एक्स अगर वाई के बराबर है लॉग बेस ई एक्स अगर वाई के बराबर है तो क्या ये यहां लग रहा है देखो लॉग e, e, है बेस ई है एक्स की जगह पर a नॉट अपॉन एक्स है और वाई की जगह पर माइनस कट्टी है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं दैट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या यह बात समझ में आ रही है यहां पर एंटी लॉग वाली एक्टिविटी एंटी लॉग वाली बात हो जाती है और यहां पर ई e को बोला जाता है एक्सपोनेंट क्या बोला जाता है एक्सपोनेंट लेट्स एक्सपोनेंट लेट्स एक्सपोनेंट दिस आई बात समझ में तो ये वाली एंटी लॉक की एक्टिविटी लगकर अब अपना ये कुछ ऐसा नहीं दिखने लगेगा आपको X की पर ए अपॉन ए नॉट है और वाई को ई e की पावर में चढ़ाना है तो ई e यहां पर लिखा और वाई क्या है अपना माइनस कट्टी तो माइनस के टी ऊपर आ जाएगा एंड दिस इज योर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भ्र्न, भ्र्न, समझ में आ रही बात दिस इज योर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो सकता है किताब में ए नॉट को इधर ले जाकर इसको ऐसा भी कर दिया गया हो दैट ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कोई बात नहीं दोनों ही सही है दोनों ही सही है क्या ये बात समझ में आई छापो छापो जल्दी जल्दी छापो ये जल्दी जल्दी छापने का रे बाबा टाइम वेस्ट नहीं करने का रे बाबू राव गणपत राव आपने को बहुत काम है रे बाबा अगर मैं टाइम को जीरो मानूं तो यहां पर टाइम हो गया जीरो मतलब ई की पावर में जीरो जब आप यहां से ई हटाएंगे एक्सपोनेंट हटाएंगे तो वन अपॉन ई की पावर में जीरो वन अपॉन ई की पावर में जीरो मतलब कि वन जब कभी भी वन अपॉन ई की पावर में जीरो आता है उसे वन ही माना जाता है एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका यह होता है तो अगर ई e की पावर में जीरो है अगर ई e की पावर में जीरो है तो वन है तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी निकली ए नॉट ठीक है भैया अगर टी की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ मतलब ई e की पावर में इंफिनिटी और अगर e की पावर में इंफिनिटी है मतलब आप वन को इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हो मतलब जीरो तो अगर ये जीरो हो गया तो यानी ई जीरो और अगर ई e जीरो हो गया तो ए नॉट भी जीरो हो जाएगा तो ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अगर टाइम जीरो है तो ए यानी कि ए नॉट के बराबर यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है लेकिन अगर टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो जाता है इससे मुझे एक बात पता चली इस वाली बात से इस वाली इक्वेशन से मुझे एक बात पता चली दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर फिनिश दिस इज और नीट लेवल क्वेश्चन ये और नीट लेवल का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स नेवर कंप्लीट्स नेवर ऐसा नेवर गेट्स हंड्रेड परसेंट कंप्लीट मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हंड्रेड परसेंट कंप्लीट नहीं होती क्यों क्योंकि केमिकल रिएक्शन हंड्रेड परसेंट कंप्लीट कब होगी जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा हंड्रेड परसेंट कंप्लीट का मतलब क्या जब उसके रिएक्टेंट की मात्रा जीरो हो जाएगी भाई अगर आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो ए से प्रोडक्ट बना रहे हो टाइम जीरो पर ये ए नॉट के बराबर था चलो मानो ये टाइम जीरो पर ये हंड्रेड परसेंट था टाइम टी पर ये फिफ्टी परसेंट हो गया और जब टाइम इनफाइनाइट हुआ तभी जीरो परसेंट होगा इनफाइनाइट टाइम तो कभी आता ही नहीं है इनफाइनाइट टाइम तो कभी आता ही नहीं है ये तो हमने मैथमेटिकल निकाला तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं इस एक्सपोनेंशियल कर्व का शियल इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूं तो बच्चों एक बात ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना कि अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का कर्व टाइम के साथ बनाते देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ध्यान से देखेंगे किसी भी तरीके का कोई लॉग वॉग कुछ भी नहीं है प्योर कंसंट्रेशन विद टाइम का कर्व है तो अभी हमको यह देखना है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा अभी तक हम लोगों ने जो कर्व देखे उसमें एल एन ए लिखा एल एन ए अपॉन ए नॉट लिखा लॉग में वैल्यूज थी वो लेकिन यहां पर ओरिजिनल वैल्यू की बात चल रही है तो जब टाइम जीरो था ए नॉट के बराबर होगा मतलब यहां पर जब टाइम जीरो रहा होगा तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ और बेटा दिस एक्सपोनेंट मीनस एक डायरेक्ट सीधी खड़ी लीनियर लाइन line नहीं मिलेगी आपको एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके का आपको कर्व मिलेगा और यहां पर आकर ये कर्व इस तरीके से पैरेलल चलेगा टाइम के क्यों क्योंकि टाइम इनफाइनाइट होने पर ये जीरो होगा मतलब ये यह यहां पर इस एक्सिस पर कभी टच नहीं करेगा यहां पर क्या है a 0 कंसंट्रेशन जीरो कब होगा जब टाइम इनफाइनाइट होगा लेकिन ये कर्व इस कर्व में आप इनफाइनाइट टाइम प्लॉट कर ही नहीं सकते अगर ये दस सेकेंड है या दस मिनट है तो ये बीस मिनट तीस मिनट चालीस पचास साठ मिनट सत्तर मिनट अस्सी मिनट नब्बे मिनट सौ मिनट एक सौ दस मिनट एक सौ बीस मिनट दो घंटे का ही कर्व है तो रिएक्शन के दो घंटे में कंप्लीट हो रही नहीं इसके लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा तो नीचे आकर ये कर्व इस तरीके से पैरेलल हो मतलब आपके टाइम के पैरेलल हो जाएगा एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल कर्व क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों ये जेई और नीट लेवल की बात है बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा इसको लेकिन जेई और नीट लेवल पर प्यारे बच्चों डेफिनेटली ये चीज आ सकती है तो इस चीज को मैं स्टार बनाऊंगा और इस इक्वेशन को बेटा भी मैं स्टार बनाऊंगा ये मेरी तीसरी फर्स्ट ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई तो पहले तो अपन ने नेॉग एल एन वाली इक्वेशन पढ़ी ये फिर इसको इंटीग्रेटेड इक्वेशन में ले गए लॉग बेस टेन टू में ले गए जो सबसे ज्यादा मेजरली यूज करी जाती है 99% केसेस में वो 2.303 A A वाली इक्वेशन यूज की जाएगी और होने पर zero, की मात्रा जीरो होगी मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा जाए तो 100 परसेंट कभी कंप्लीट नहीं होती ये 99.9 परसेंट कंप्लीट हो जाएगी पर 100 परसेंट कभी नहीं होगी कब कंप्लीट होगी 100 परसेंट जब टाइम इनफाइनाइट पे चले जाएगा इसको भी नोट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे छोटू मोचू बुजू 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 बच्चे जल्दी नोट करो इसको हाँ तो मेरे प्यार गंदे बंदे बच्चो और हुआ के नहीं जल्दी बोलो यार चलिए अब हम इसे रब करके आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको दो अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है तो कैसे सॉल्व करोगे तो देखिए एट टाइम टी वन जब टाइम टी वन होगा दिस इज नॉट इनिशियल टाइम लाड़ लो प्यारे बच्चों गुलू बुलू बच्चों टाइम टी वन है इनिशियल नहीं है तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा ए वन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा ए वन और इस समय पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वेरी करती है अगर ये दुगुना कम होगा तो रेट भी दो गुना कम होगा अगर ये तीन गुना कम होगा तो रेट भी तीन गुना कम होगा अगर ये चार गुना बढ़ जाएगा तो रेट भी चार गुना बढ़ जाएगा दैट मीन्स यहां पर आपका जो रेट है वो क्या होगा के टी वन रेट क्या हो जाएगा के टी वन सिमिलरली टाइम टी टू यानी रिएक्शन के इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई ये दो टेम्परेचर दे रखे टाइम दे रखा मतलब ये ना तो initial है ना तो ये फाइनल है समझना इंटरमीडिएट दो points दे रखे हैं इस समय कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर लेट से हो जाता है ए टू हम लोग जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो रेट भी बदलेगा तो यहां पर रेट के लिए हो जाएगा के टी टू अब अगर अपन इन दोनों को ऊपर वाली इक्वेशन में रख दे तो इक्वेशन नंबर वन कैसे बनेगी जरा देखो एल एन ए वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस एल एन ए नॉट अच्छा ए नॉट तो इनिशियल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो कभी कोई असर पड़ेगा ही नहीं क्योंकि अपन तो इंटरमीडिएट दो पॉइंट ले रहे तो जो इनिशियल कंसेंट्रेशन रहेगा वो रहेगा इक्वेशन नंबर टू कैसे बनेगी प्यारे बच्चों एल एन ए टू इज इक्वल टू माइनस के टी टू प्लस एल एन ए शियल कॉन्सेंट्रेशन वन को टू में से सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो वन को टू में से जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे खत्म माइनस के टी वन माइनस माइनस के टी टू भाई ये भी माइनस है ये भी माइनस है और इनको करना भी माइनस है बहुत ना इंसाफी है इधर क्या हो जाएगा एल एन ए वन माइनस एल इन ए टू इज इक्वल टू दिस प्यारे बच्चे सब समझ गए होंगे यहां पर माइनस का साइन मतलब क्या बोलो ए वन अपॉन ए टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी वन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी टू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सो माइनस के टी वन प्लस के टी टू आई बात समझ में के कॉमन निकाल लो एल एन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू के कॉमन निकाल लिया टी टू प्लस और टी वन माइनस है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं टी टू माइनस टी वन बिल्कुल लिख सकता हूं और ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन जिसमें अगर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्टेंट्स की दो अलग अलग वैल्यू दे रखी हो तो आप उसका के कैसे निकालोगे तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लीजिए के इधर ले आओ ठीक है के आप इधर ले आए ये डिवीजन में चले जाएगा तो ये जाएगा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन एल एन ए अपॉन ए वन अपॉन ए टू आप चाहें तो इसको लॉग बेस टेन में कन्वर्ट कर दीजिए एल एन इज इक्वल टू लॉग बेस ई और लॉग बेस ई यानी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू लॉग बेस टेन तो ये जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी टू माइनस टी वन लॉग बेस टेन ए वन अपॉन ए टू बस क्या ये बात समझ में आ गई हमारी जो भंगार बाटली वाला आता है जो भंगार लेने आता चलाता तो क्या ये समझ में आ गई नोट करो लिख लिया बच्चो तो जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो जो जवाब आया वो सही था लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार वापस से जोड़ने घटाने गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है इसका मतलब ये है कि अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स तो प्यारे बच्चों पहला एग्जाम्पल है सी टू एच फोर इसको बोला जाता है अपनी देसी भाषा में इथिन क्या बोला जाता है मेरे इथीन. तो जब आप इथीन नाम की गैस का हाइड्रोजिनेशन करते हो तो यू विल गेट सी टू एच सिक्स यानी कि इथेन क्या बात समझ में आ रही है एंड प्यारे बच्चों दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट मींस यहां पर केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है इट प्योरली डिपेंड्स ऑन सी टू एच फोर की पावर में वन यानी यहाँ पर आप हाइड्रोजन कम लो हाइड्रोजन ज्यादा लो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने का फर्क किससे पड़ता है इथिन से बोलो समझ में आया क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी चलिए सेकेंड केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं एन टू ओ फाइव नाम की अगर अपने पास में गैस है तो जब अपन इसका डीकंपोजिशन करते हैं तो हमें टू मोल्स ऑफ एनओ टू मिलता है अगर अपन इसको ऐसा कर लें, मोल्स ऑफ मिलता है तो फोर ऑक्सीजन खत्म हो गए और थ्री ऑक्सीजन यहां से गैस के उड़ जाते हैं दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब आप इसका रेट लिखेंगे तो इसका रेट क्या लिखेंगे के एन टू ओ फाइव की पावर में वन अब आप यहां पर देखो यहां पर भले ही स्टॉइसोमेट्री कोविशन टू आ रहा हो लेकिन अपन ने क्या करा अपन ने उसकी पावर में वन ही लिखा क्या यह बात समझ में आ गई मेरे लाडले लाडले बच्चों को क्या यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई अच्छा मैंने कुछ गलती करी क्या यहां पर टू था तो मैंने यहां पर टू की जगह मुझे यहां पर लिखना चाहिए फोर एन टू तो ये फोर टू जट जा हो जाएगा फाइव टू ज टेन है तो यहां पर सिर्फ ओ टू बनेगा ठीक है हाँ, तो ये भी आपके एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गए मेरे प्यारे बच्चों ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की अच्छा तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है इसको ध्यान से देखेंगे जितने भी नेचुरल जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिव जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिव डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है जितनी भी नेचुरल रेडियो एक्टिव डीकम्पोजिशन होती है वो सब की सब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आती है वो सब की सब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आती है कैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं मान लीजिए मेरे पास में रेडियम है जिसका अटोमिक मास 226 है और अटोमिक नंबर 88 है जब ये डीकंपोज होगा जब इसका रेडियो एक्टिव डीकंपोजिशन होगा ये एक हमें हीलियम बनाकर देगा जिसका मास नंबर टू होता है और साथ साथ में आपको रेडॉन नाम की एक नोबल गैस मिलेगी जिसका अटोमिक और मास टू टी टू होता है इस तरीके की जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन आपके सामने होती है वो सब 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 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है क्या बात समझ में आ गई क्या ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई जल्दी से इसका छपाई अभियान पूरा करेंगे जल्दी से इसको छापेंगे एग्जाम्पल का स्क्रीन लेंगे चलिए हो गया अब हम लोग फटाफट फड़ से एक न्यूमेरिकल करते हैं एक न्यूमेरिकल करेंगे एन सी आर टी का न्यूमेरिकल करेंगे ताकि कंसेप्ट थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए क्वेश्चन और आगे करेंगे पर अभी जरा कंसेप्ट रिफ्रेश करने के लिए अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं एन से क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में एन टू ओ फाइव नाम की गैस है ये एन ओ टू टू मोल्स ऑफ एन टू बनाकर दे रही है और हाफ ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल रहा है कुछ नहीं है उसने इसको सिंगल लिखा है अगर आप इसको ऐसा हाफ ऑक्सीजन आपको पसंद नहीं आता तो यहां टू लगा दो यहां फोर आ जाएगा तो हाफ हट जाएगा एक्चुअली क्या हो रहा है दो दो चार चार ऑक्सीजन तो यही निकल गए पांच में से चार ऑक्सीजन चले गए अब एक ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन को अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा ऑक्सीजन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में तो ऑक्सीजन हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करता है लेकिन यहां एक ऑक्सीजन है यहाँ दो है तो दो का आधा एक ऐसा भी लिख सकते हैं चलेगा ना कोई दिक्कत नहीं तो ये हो रहा है इसने बोला इनिशियली इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव इज वन पॉइंट टू फोर इंटू टेन टू दावर माइनस टू मोल्स पर लीटर ठीक है इसने ये बोला इनिशियली आपके एन टू ओ फाइव का कॉन्सेंट्रेशन इतना था एंड आफ्टर एंड आफ्टर सिक्सटी मिनट्स एंड आफ्टर सिक्सटी मिनट्स द कॉन्सेंट्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव चेंजेस टू जीरो पॉइंट टू जीरो इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मोल्स पर लीटर एट 318 सो अट्ठारह कैलविन एट तीन कैलविन तो अब यह आपसे कह रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड करो फाइंड नहीं फाइंड द रेट कांस्टेंट। फाइंड द रेट कांस्टेंट। अब इस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करो कि इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा तो अब आप यहां पर देखिए आपके पास में टी वन दे रखा है जीरो इनिशियल है आपके पास में t2 दे रखा है 60 यानी 60 मिनट बाद बात चल रही है तो t1 t2 आपके पास में अवेलेबल है आपके पास में a1 a1 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 1.24 10 टू द पावर -2 मोल्स पर लीटर आपके पास में a2 भी दे रखा है यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन 0.20 10 टू द पावर -2 मोल्स पर लीटर सब तो दे रखा है आपके पास में भगवान का दिया सब कुछ है दौलत है शोहरत है इज्जत है बस एक कैलकुलेट करने वाले की कमी है तो मजनू आओ अपन कैलकुलेट करें फॉर्मूला लगाएं k 2.303 t2 minus t1 log a1 upon a2 a1 इज ऑलवेज इनिशियल a2 इज ऑलवेज फाइनल हमेशा ध्यान रखना a1 इज ऑलवेज इनिशियल जो ऊपर आएगा और जो नीचे आएगा वो हमेशा

तो log base, 10, 6 की वैल्यू क्या जीरो पॉइंट सेवन तो टू पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं टू पॉइंट थ्री जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट सेवन क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को तो जब अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे थ्री जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री जर ट्वेंटी वन कैलकुलेट कर लूँ क्या कैलकुलेटर लाऊ क्या रिस्क नहीं लूँ क्या मैं मैं रिस्क नहीं लू क्या रिस्क ले खतरों का खिलाड़ी हूँ मैं मेरे को कोई माउंटेन ड्यू ला के तो भैया दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर बाय माउंटेन ड्यू वरना बाद में बच्चे बोलेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय डिड बाय 60. हाँ जीरो पॉइंट थ्री के आसपास आंसर आ रहा है क्योंकि सिक्स पॉइंट टू लॉक की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन फाइव होती है यार तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव करेंगे जीरो पॉइंट थ्री जीरो समथिंग आपका इसका आंसर आना चाहिए ठीक है तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा लॉक्स की वैल्यू कहाँ से आई अपन वीडियो देख लेंगे पिछला वाला जो मैंने बनाया था तो पिछला वाला लॉग का वीडियो भी आप देख लीजिए कंसेप्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा लॉग का टेबल दीवार पे बना के चिपकाना पड़ेगा रोज सुबह शाम उससे मुलाकात करनी पड़ेगी दिन में चार बार उससे मिलना पड़ेगा तब जाकर ये कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तो देखो बच्चों कितना कितना मासूम सा क्वेश्चन है इसे गाल खींचू गुल्लू गुल्लू करे कितना मासूम है छोटा बच्चा है बारीक सा बच्चा क्या परेशान करेगा ये आपको अपन बडे बड़ी, बड़ी चीजें सीख कर आगा भी बच्चा क्या परेशान करेगा रे क्या गुंडा बनेगा रे तू क्या गुंडा बनेगा क्या क्वेश्चन बनेगा रे चलो फटाफट लिखो फिर अपन अभी और अभी चैप्टर खत्म अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी पिक्चर बहुत सारी बाकी है फटाफट इसको नोट करो